अगर आपके पास डीजल कार है तो जब आप उसको कोल्ड स्टार्ट करते होंगे तो आपने ये वाला सिंबल जरूर देखा होगा, और जब तक ये सिंबल ऑन रहता है तब तक आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी होती है। जैसे ये सिंबल चला जाता है आपके इग्निशन ऑन करने के कुछ देर बाद, तब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। इस वार्निंग लाइट को बोलते हैं ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट। अब बात आती है ग्लो प्लग क्या होता है। ग्लो प्लग एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो आपकी गाड़ी के सिलेंडर के अंदर की जो एयर है उसको हीट अप करता है। इससे गाड़ी के सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और गाड़ी बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में भी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। ये जो ग्लो प्लग है ये बैटरी से पावर लेता है, जैसे आप अपने घरों में हीटर चलाते हैं, और ये सिर्फ डीजल इंजन में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन में जो इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग की मदद से होता है, और डीजल इंजन वही सिलेंडर के अंदर हीट जनरेट होने से जब उसमें फ्यूल उसके सिलेंडर के अंदर छड़का जाता है तब वो गर्म हवा के संपर्क में आके उसमें इग्निशन होता है। लेकिन जब बाहर काफी ज्यादा सर्दी हो, बर्फ का मौसम हो, तो थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। बहुत ज्यादा क्रैंकिंग करनी पड़ती है, बहुत देर तक सेल्फ लगाना पड़ता है। लेकिन ये ग्लो प्लग सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं गाड़ी को स्टार्ट होने में, क्योंकि ये इंजन के हर एक सिलेंडर में पाए जाते हैं। चलो अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, जैसे आपने इसकी इग्निशन की ऑन करी और वहां पर हीटर हो जाएगा चालू, हीटर की जो टिप है, जो एलिमेंट है हीटर का जो आगे का होता है, वो रेड हॉट हो जाएगा। और जब आप अपनी गाड़ी में सेल्फ देंगे तब क्या होता है, इंजेक्टर से जो फ्यूल है इसकी टिप में स्प्रे होगा, उतनी देर तक ये सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा चुका होगा, जिसके कारण फ्यूल बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा इंजन के अंदर और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि यार जब हीटर प्लग बार बार ऑन होंगे, हीटर एलिमेंट या फिर आप कह सकते हैं ग्लो प्लग बार बार ऑन होंगे स्टार्ट करते वक्त, क्या वो बैटरी को कंज्यूम नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हैं क्या बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी? लेकिन आपको मैं बता दूं, ग्लो प्लग को कमांड देता है आपकी गाड़ी का ईसीयू, और ईसीयू इनपुट लेता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से। अगर कूलेंट का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ठंडा है तब जाके ईसीयू कमांड देगा ग्लो प्लग को ऑन करने के लिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी अभी थोड़ा चल के आई है और चलने के बाद आपने खड़ी करी है, उसके बाद आपने स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी, तब जो है कूलेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तब ग्लो प्लग को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब आपकी गाड़ी किसी ठंडे इलाके में हो, या बर्फबारी पड़ी हो, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हो, या कह सकते हैं कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो। लेकिन आजकल की गाड़ी इतनी स्मार्ट हो गई है, आपको पता भी नहीं चलेगा ग्लो प्लग कब जाके ऑन हुआ, कब वो ऑफ हो गया। डैशबोर्ड में ये वार्निंग लाइट देख के आप समझ सकते हैं। कभी बहुत ज्यादा कोल्ड सिचुएशन में आप जब इसको देखेंगे तो ये सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर आपको ये लाइट जो है बंद होती नजर आ जाएगी। लेकिन जो पुराने जमाने की गाड़ी होती थी उसमें आपको मैन्युअली हीटर का बटन दबाना पड़ता था और ग्लो प्लग हीट अप होने में लगभग टाइम लग जाता था 10 से 20 सेकंड का। आपको 10 से 20 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती थी। और मैं सच बताऊं, आजकल कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इस गाड़ी में हमारे ग्लो प्लग लगा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल देखते ही नहीं है इस चीज को, सीधे आके क्रैंक कर देते हैं इंजन को। और हो सकता है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिए अपना।